बरोज इतवार रात 9:30 बजे और बरोज पीर दिन में 1:30 बजे सिर्फ DD उर्दू पर। हसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं, छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। इंग्लिश की किताब। कहते हैं कि इंग्लिश पढ़ने से इल्म जो है बढ़ता है। हाँ, पढ़ना चाहिए। KNIEF KNIEF क्या बना? के नाइफ। NOW नो। क्या अल्फाज मिला है, बच्चे आएंगे तो खुश हो जाएंगे। वाह, अंग्रेजी अंग्रेजी है। BO चाय पी लीजिए। शुक्रिया बेगम, यहाँ रख दीजिए। इन किताबों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर चाय पी लीजिएगा, वरना चाय ठंडी हो जाएगी तो फिर से मत कहना कि चाय गर्म करके दो। हाँ, मशवरा के लिए शुक्रिया। अब आप जा चली गए। बहुत होशियार है। आदाब आदाब मास्टर जी। आदाब आदाब आदाब। आगे बच्चों। हाँ मास्टर जी। बैठो बैठो बैठो। हाँ तो बच्चों, पढ़ाई शुरू करें। हाँ मास्टर जी। तो बच्चों, हमने जो कल पढ़ाया था वो सब याद करके आए हो ना? हाँ मास्टर जी। शाबाश बच्चों। अब एक एक करके सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि हमने कल क्या पढ़ाया था। हाँ तो बेटा अतीक, सबसे पहले आप बताइएगा कि हमने क्या पढ़ाया था। मास्टर जी, नादान होते हैं वो परिंदे जो उड़ना नहीं चाहते, नादान होते हैं वो परिंदे जो उड़ना नहीं चाहते, और बेअक्ल होते हैं वो बच्चे जो साइंस पढ़ना नहीं चाहते। वाह वाह, शाबाश राजू बेटा। अब आप बताइए, आपने पढ़ाया था कि राजू बेटा कल वक्त पर ट्यूशन पढ़ने आ जाना और आते वक्त ट्यूशन की फीस भी लेते आना। तो बेटा, आपने इस बात पर अमल किया कि नहीं? अमल किया ना मास्टर जी, तभी तो पूरा याद है। तो आप ट्यूशन की फीस लेकर आए हो ना? ना मास्टर जी। क्यों? हमने कहा था ना कि कल ट्यूशन की फीस लेकर आना, कहा था ना? अच्छा, मुझे तो लगा आपने कोई नया शेर बनाया है। नहीं बेटा, ये शेर बब्बर शेर नहीं सुनाया, कल याद से फीस लेकर आना, समझे? समीर बेटा, आप बताइए हमने आपको कल क्या पढ़ाया था। मास्टर जी, कल तो आपने कुछ नहीं पढ़ाया था। समीर बेटा, तुम्हें मालूम है ना हमें झूठ से सख्त नफरत है। जी मास्टर जी, मालूम है। तो फिर बेटा, तुम ये क्यों कह रहे हो कि हमने तुम्हें कल कुछ नहीं पढ़ाया? क्योंकि मास्टर जी, कल मैं ट्यूशन पढ़ने आया ही नहीं। अरे, मेरे स्कूल जाने का वक्त हो गया है। अरे मास्टर जी, रुको रुको रुको, कल मुझे क्या पढ़ाया था वो तो बताना बाकी है। रहने दो बेटा, रहने दो, आज बस इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे, अब तुम जा सकते हो।
ठीक है मास्टर जी, ठीक है मास्टर जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज मास्टर जी, खुदा हाफिज। आपने चाय नहीं पी? ओ, वो क्या है बेगम, बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में चाय ठंडी हो गई, जरा गर्म कर दोगी? देखिए, मैं आपकी जर खरीद गुलाम नहीं हूँ, अगर आपको चाय पीनी है तो खुद जाइए और रसोई में जाकर चाय गर्म कर लीजिए। समझा करो बेगम, हमें स्कूल के लिए देरी हो रही है। देखिए, खता आपने की है तो सजा भी आप ही भुगतोगे, समझे आप? आज के दिन का आगाज डांट खाने से हुआ, खुदा खैर करे। ये है जनाब आलमदीन साहब, पीछे से मास्टर और आठवीं पास, लेकिन पढ़ाते हैं बारहवीं के बच्चों को, इसलिए स्कूल और सारे शहर में ये जनाब ट्यूशन मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। शहर के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन क्लास में कम पढ़ाते हैं और ट्यूशन ज्यादा पढ़ाते हैं। चलो बच्चों, अपने अपने कान पकड़ो। अरे ऐसे नहीं, मुर्गा बन के पकड़ो। मास्टर जी, मुझे मुर्गा बनना नहीं आता। कमाल है, तुम्हें मुर्गा खाना आता है मगर बनना नहीं आता। आज मैं मुर्गा कैसे बनते हैं बता देता हूँ, ठीक है? चलो मुर्गे बनो अब। क्या समझते हो तुम, अगर हम उर्दू टीचर हैं तो क्या मैथ और साइंस नहीं पढ़ा सकते? अभी पढ़ाते बेटा, हमें बहुत तालीम हासिल है। और इस तरह आलमदीन साहब बच्चों को मजबूर करते हैं कि वो उनसे हिसाब, साइंस या अंग्रेजी का ट्यूशन लें। इस ट्यूशन गर्दी की वजह से रात दिन मसरूफ रहते हैं, सुबह 6 बजे ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते हैं और स्कूल जाने के वक्त तक ट्यूशन ही पढ़ाते रहते हैं। पहले उनके पास इकलौती एक साइकिल हुआ करती थी, लेकिन ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के इन्होंने अब मोटरसाइकिल खरीद ली है। माफ कर दो मास्टर जी। पक्का? हाँ मास्टर जी। आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी मास्टर जी। ठीक है, बैठो। हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में एक शेर के साथ खत्म करता हूँ। हाँ तो शेर अर्ज है, साइंस जब पढ़ोगे तुम तो डॉक्टर बनोगे। क्या बात? साइंस जब पढ़ोगे तुम तो इंजीनियर बनोगे। साइंस जब पढ़ोगे तुम तो मास्टर जी बनोगे। आलमदीन से ट्यूशन लेने वाले बच्चे भी बहुत खुश थे। अपने मास्टर जी वो मस्त आदमी एकदम। अच्छा, पढ़ाते भी कम है, डांटते भी नहीं है। वैसे सही बात है यार, वरना स्कूल में पढ़ते पढ़ते बोर ही हो जाते हैं। बट लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आती है, मास्टर जी पढ़ाई से ज्यादा शेरो शायरी पे क्यों ध्यान देते हैं? अरे भाई, ताकि हम बड़े होके कोई मशहूर शायर बन सके। पर यार एक बात बताओ, ये मास्टर जी जो हमें पढ़ाते हैं वो सही भी पढ़ाते हैं या नहीं? देख राज, अब सही गलत तो मास्टर जी को ही मालूम है, अब वो जो हमें पढ़ाते हैं हम वो पढ़ते हैं। देख यार, मुझे क्या लगता है पता है, मास्टर जी को हमारी पढ़ाई से ज्यादा अपनी फीस की परवाह है। अब लो भाई, अब ट्यूशन पढ़ाते हैं तो फीस तो लेंगे ही ना। बात ना फीस की नहीं है, बात है अच्छी तालीम। अगर हमें अच्छी तालीम नहीं मिलेगी तो हम कामयाब कैसे होंगे? मास्टर चेंज कर देते हैं और दूसरे मास्टर से ट्यूशन लेना शुरू कर देते हैं, क्या बोलता है? हाँ समीर, तू सही कह रहा है, मुझे भी यही लगता है। मैं आज ही ना अपने अब्बू से इस बारे में बात करूंगा। भाई देख, तुझे जो करना है तू वो कर, हमें तो यही मास्टर जी पसंद है क्योंकि इनकी वजह से हमें खेलने के लिए ज्यादा वक्त जो मिल जाता है। एक बात बता आलमदीन साहब, झूठे सच्चे बहानों से छुट्टियां भी खूब लेते हैं,
ताकि बच्चों को ट्यूशन में ज्यादा वक्त दे सके। गुजरे हफ्ते उन्होंने ये कह के छुट्टी ली कि उनकी सास का इंतकाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कहिए। मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। फिर छुट्टी चाहिए? अब कौन सा नया बहाना लेकर आए हैं आलम साहब? नहीं नहीं हुजूर, वही पुराना है। पुराना? कितना पुराना? मेरी सास का इंतकाल हो गया है। क्या? देखा हुजूर, आपको भी सुनकर अफसोस हुआ ना? अफसोस नहीं हुआ आलम साहब, मेरे जहन में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए। कैसे सवाल पैदा हो गए हुजूर? आपकी बीवियां कितनी हैं? एक ही बीवी हुजूर। तो जनाब, अगर आपकी बीवी एक है तो आपकी आठ सासें कैसे हो गई? आप जानते हैं आज आप आठवीं सास के इंतकाल के लिए छुट्टी मांगने आए? हुजूर, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। तो जनाब, अगर आपको लगता है कि मेरा सवाल बड़ा जायज है तो खुदा के वास्ते कुछ जायज सा जवाब भी दीजिए। हुजूर, असल में मेरी असली सास एक ही थी, बाकी सासें जो है वो रिश्तों में है। मसलन फूफो सास, खाला सास, चाची सास, दादी सास, नान सास और माम सास वगैरह वगैरह। सास, माम सास, ये नान सास और माम सास क्या होती हैं? वो क्या है हुजूर, मेरी बेगम की जो नानी है ना, मैं उन्हें नान सास कहता था और मामी को माम सास कहता हूँ। तो हुजूर, मुझे ये बताइए कि हर तरह की जो आपकी सास है उनके इंतकाल पे आपका शिरकत करना बहुत जरूरी है? हुजूर, हर किसी को एक ना एक रोज तो मरना ही होता है। सभी के मरने पर शिरकत बहुत जरूरी होती है। तो आपकी सासों का कोटा खत्म हो गया ना? मतलब मरने वाली आपकी आखिरी सास है ना? 100% आखिरी सास। तो फिर आपकी छुट्टी भी आखिरी आज। शुक्रिया हुजूर। जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई कि आलमदीन साहब का स्कूल देर से जाना फिर शुरू हो जाता है। वाह आलमदीन साहब वाह, भाई नए नए बहाने बनाने में तो वाकई अब मस्त। हुजूर, मेरा यकीन कीजिए, दरअसल रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया था, सो गाड़ी रुक गई। बस पेट्रोल भरवाने के चक्कर में जरा सी देर हो गई। जरा सी देर हो गई? जरा सी देर हो गई? आलमदीन साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने घर में सुबह बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं हुजूर? वो इसलिए आलम साहब कि जब आप साइकिल पर आते थे तो तकरीबन आप वक्त से पहले पहुंच जाते थे, और जब से आप इस मोटरसाइकिल पर आना शुरू हुए हैं तब से आप वक्त से पीछे और वक्त आपसे आगे निकलता जा रहा है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हुजूर, सारा कसूर इस मोटरसाइकिल का ही है। वो सादी साइकिल बिल्कुल ठीक थी, कम से कम उसमें पेट्रोल डालने का झंझट तो नहीं था। नहीं नहीं आलम साहब, अगर पेट्रोल की टंकी भरवा कर रखी जाए तो ये नौबत कभी नहीं आती। वैसे भी आपका तो रोज रोज स्कूल में देरी से आना एक आदत बन गई। जरा आप सोचिए, जिस टीचर से पहले उसके स्टूडेंट स्कूल में आ जाते हैं उससे अगर बच्चे तालीम लेंगे तो उनका मुस्तकबिल का क्या होगा? माफ कर दीजिएगा हुजूर, कल से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखिए आलम साहब, मुझे आपको डांटने फटकारने का कोई शौक नहीं, लेकिन इन बच्चों को उम्दा तालीम देना हमारा फर्ज है। कल जब ये बच्चे अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए बाहर निकलेंगे तो इन्हीं में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमें टीचर कहलाने का कोई हक नहीं। मैं इस हकीकत से बाखूबी वाकिफ हूं, बच्चों का मुस्तकबिल तभी सही रास्ते पर जाता है जब हम उन्हें सही तालीम दें। आलम साहब, मुझे ये उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आप अपने लफ्जों को अमल में लाएंगे। जी हुजूर। तो अब आप अपने क्लासरूम में जाइए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। जी
अरे अरे ये क्या बच्चों, तुम क्लासरूम से बाहर क्यों आ गए? आज हमने अपनी छुट्टी खुद ही कर लिया मास्टर जी। नहीं नहीं बच्चों, गलत बात, चलो क्लासरूम में चलते हैं। नहीं नहीं मास्टर जी, हम आपका इंतजार करते करते थक गए थे। अब तो आप एक शेर सुना दो मास्टर जी, क्लास तो कल पढ़ लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, सुनाता हूँ। आज ही बनाया है इरशाद 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 इरशाद। मैं पढ़ाने में थक जाता हूँ तुम पढ़ने में, मैं पढ़ाने में थक जाता हूँ तुम पढ़ने में, बड़ा वक्त खराब होता है इस तालीम के झगड़े में। वाह 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 क्या बात है। क्यों बच्चों, अच्छा लगा? तो ठीक है बच्चों, अब तुम घर जाओ, लेकिन कल वक्त से स्कूल में आ जाना। मास्टर जी ये बात आप खुद को समझाइए, क्योंकि आपके लेट आने की वजह से वक्त को भी शर्म आती क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? अरे आप आधे तो अंदर आ ही गए, अब पूरे आ जाइए। शुक्रिया हुजूर। जी फरमाइए। हुजूर मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। क्या? लेकिन हुजूर आपकी आखिरी सांस का तो इंतकाल हुए बहुत देर हो गई, अब तो कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं बचा जिसको आप सांस कह के मार सके। नहीं नहीं हुजूर वो बात नहीं है, दरअसल मैं अंदरूनी तौर पर सख्त बीमार। ये अंदरूनी तौर से क्या सख्त बीमार है? मुझे तो आप अच्छे खासे सेहत याफ्ता नजर आ रहे हैं। जी हजूर मैंने कहा ना मैं अंदरूनी तौर पर बीमार। हाँ लेकिन अंदरूनी तौर से हुआ क्या है? ये तो मुझे भी कुछ पता नहीं, दरअसल मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने मेरी अच्छी तरह जांच परख की और कहा कि मुझे कम से कम 10 दिन तक घर में आराम करना चाहिए वरना मुझे कुछ भी हो सकता है। देखिए ना जनाब, डॉक्टर साहब ने मेरी बीमारी के बारे में ये रिपोर्ट भी तैयार की है, ये जो लाल निशान है ना यही बीमारी। ठीक है आलम साहब, मैं आपकी छुट्टी मंजूर करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया, खुदा हाफिज। आलमदीन ने बीमारी का बहाना करके 10 दिन की छुट्टी तो ले ली, लेकिन वो ये भूल गए कि कोई भी झूठा बहाना ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैं प्रिंसिपल खालिद सिद्दीकी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए सिद्दीकी साहब, आज कैसे याद किया? डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता था कि हमारे टीचर आलमदीन साहब को क्या बीमारी है। प्रिंसिपल साहब आलमदीन को जो जो तकलीफें मैंने तफसील से अपनी रिपोर्ट में लिख कर दिया है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहब, हम इस तरह से अपने मरीजों की बीमारी के बारे में लोगों को नहीं बताया करते, और फिर आप तो जानते हैं कि हमारे प्रोफेशन के उसूलों के भी खिलाफ है। तो ठीक है डॉक्टर साहब, मैं दूसरे तरीके से पता लगा लूंगा। मतलब ये कि मैं उनकी जांच किसी और डॉक्टर से करवाऊंगा, और अगर उनकी रिपोर्ट आपकी रिपोर्ट से मिलती हुई तो ठीक है, और अगर उनकी रिपोर्ट दूसरी हुई तो फिर आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों की क्या जरूरत है? दरअसल आलमदीन के पास ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की तादाद कुछ ज्यादा हो गई, इसलिए स्कूल से छुट्टी लेने की गरज से उन्होंने जैसा मुझसे कहा मैंने रिपोर्ट बना के दे दी। और आपने वो फर्जी रिपोर्ट बना दी है? जी, लेकिन मैंने इसके एवज में पैसा नहीं लिया उनसे, जो कुछ किया सिर्फ दोस्ती की खातिर किया। मतलब अपनी दोस्ती के लिए आपने अपने फर्ज से दगाबाजी की और आलमदीन ने अपनी मुकद्दस तालीम की दुकान खोली, है ना? प्रिंसिपल साहब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल नहीं डॉक्टर साहब,
आपने जो किया है ये गुनाह अजीम है। प्रिंसिपल साहब, खुदा के लिए इस बात को और आगे मत बढ़ाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। उसका आपको मौका ही नहीं मिलेगा डॉक्टर साहब। प्रिंसिपल साहब। हाँ तो बच्चों, सब तैयार हो ना? जी मास्टर जी। हाँ तो बताओ बच्चों, अंग्रेजी में बालक और पट का क्या मतलब होता है? अरे मास्टर जी, अंग्रेजी में तो छोड़िए, इसका तो हिंदी और उर्दू में भी कोई मतलब नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मास्टर जी, आप जिसे वालक वालक कह रहे हैं ना, उसको कहते हैं वॉक, और जिसको आप पट पट करे जा रहे हैं उसको कहते हैं पुट। बेटा हंसो नहीं, मास्टर मैं हूँ कि तुम हो? मास्टर जी, मास्टर तो आप ही हैं। तो फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही ठीक है। लेकिन मास्टर जी, मेरे जो अब्बू है ना, मतलब पप्पा, वो वालक को वॉक कहते हैं और पट को पुट कहते हैं। बेचारे तुम्हारे अब्बू। बेटा उनकी तालीम तो बहुत ही कम है। बेटा एक काम करो, कल से अपने अब्बू को भी साथ लेके आना, उन्हें भी तालीम देनी पड़ेगी। राजू बेटा, अरे मैंने अपना मनपसंद का पान मंगवाया था, वो लेके आए क्या? नहीं लाया मास्टर जी। क्यों? मुझे लगा आपने पान पर फिर से कोई शेर बनाया। तुम्हें शेर बहुत ज्यादा सुनाई देते। चुप। अब एक और नया शब्द है, बोलो NOW। क्या बना? नाओ। कैसे चलती है नाओ? अस्सलाम वालेकुम मास्टर। वालेकुम अस्सलाम। कहिए कैसे आना हुआ? सर जी, वो आपने मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने से इनकार कर दिया तो बेचारा घर पे रो रहा है। ट्यूशन की फीस नहीं दी होगी इसीलिए उसे निकाल दिया। मैं बहुत ही मुफलिस इंसान हूँ मास्टर जी, लेकिन फिर भी मैं मेरे बच्चे को तालीम याफ्ता बनाना चाहता हूँ। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। कहिए हुजूर। आप अपनी कुछ फीस कम कर दीजिए तो बड़ी। क्या? देखिए हुजूर, जिस तरह मुफ्त की दवा खाने से बीमारी ठीक भी होती, उसी तरह मुफ्त की ट्यूशन पढ़ने से तालीम हासिल नहीं होती। लिहाजा आप ट्यूशन की फीस जमा करा दीजिए और बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दीजिए। ठीक है मास्टर जी, मैं कल तक पैसों का कुछ ना कुछ जरूर इंतजाम कर लूंगा, लेकिन आप मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना तो शुरू कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, पहले पैसे बाद में ट्यूशन। हुजूर एक बात बताऊं, अगर आप मुफलिस हैं तो बच्चे को क्यों बुला रहे हैं? अरे पढ़ लिख कर भी तो उसने मजदूरी ही करनी है। मास्टर जी, मुफलिस होना कोई गुनाह तो नहीं है? इसी मुफलिसी ने हिंदुस्तान को नायाब तोहफे दिए। लाल बहादुर शास्त्री का नाम तो आपने सुना होगा, उन्होंने भी मुफलिसी में तालीम हासिल की और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम भी आपने सुना होगा, उन्होंने भी मुफलिसी में तालीम हासिल की और हिंदुस्तान का संविधान लिखा। खुदा हाफिज। कमाल, फीस भरने की औकात नहीं, बच्चों को तालीम दिलाने चले आए। हाँ तो बच्चों, अंग्रेजी जो है जरूरी है, उसे सीखना जरूरी है। इसलिए जो मैंने लफ्ज बताए हैं ना, उन्हें जहन में बैठा लीजिए। पूरे संसार में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सलाम। वाह आलम। क्यों आलमदीन साहब, तबीयत कैसी है आपकी? जी वो हुजूर, मैं वो कोई बात नहीं। आपकी तबीयत ठीक करने के लिए हम किसी को मिलवाने लाए हैं आपको। जी इनसे मिलिए। जी ये है यहाँ के एजुकेशन ऑफिसर। जी हुजूर, माफी चाहता हूँ हुजूर। आप अब आइए, तशरीफ रखिए ना हुजूर इधर। हम यहाँ तशरीफ रखने नहीं आए हैं, समझे आप? ये कर रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको।
दस दिन की छुट्टी लेकर आए हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? इस मुल्क में आप जैसे लोगों की वजह से सब एजुकेशन खराब हो रही है, शर्म करनी चाहिए। देखिए साहब, ये क्या कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है यहाँ पे और मेरे से छुट्टी लेकर आया ये आदमी। ये हमेशा आठ हटिए, आप हट जाइए यहाँ से, मेरे नजदीक भी मत आइए। आखिरी मौका हुजूर, इसको कोई मौका नहीं देना साहब। चलिए, अब कुछ नहीं हो सकता है। एक बार मौका दीजिए, माफ कर दीजिएगा, आइंदा कभी नहीं होगा। नहीं, आपको मौका नहीं दिया जाएगा। शर्म करो आप, शर्म करो। मेरा ख्याल है आलमदीन साहब, आप हमारे साथ चलना पसंद करेंगे? तालीम को भी देखो आज तिजारत बना दिया है, पैसा कमाने की खातिर देखो क्या किया है। बढ़ रहा है ये कारोबार हर रोज बेतहाशा, बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हसी वारदाते हैं कुछ हादसे हो जाते हैं। जनाब आलमदीन साहब खुद आठवीं पास और बारहवीं के बच्चों को तालीम देते हैं। अब आप खुद ही सोचिए उन बच्चों का मुस्तकबिल किस राह पर जाएगा। अब उन्होंने फैसला किया है कि वो वापस दुबई नहीं जाएंगे। अरे ठीक ही तो फैसला किया है, उसकी अपनी भी जिंदगी है, आखिर कब तक रहेगा वो दुबई में? दादी जान, अब्बू 5 साल और दुबई में काम कर सकते हैं तो वो वापस क्यों नहीं जाना चाहते? अम्मी जान, वो 5 साल और दुबई रह लेंगे तो अच्छा खासा कमा लेंगे ना। और नहीं तो क्या, अभी तो हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें बाकी है। स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी देते हैं, बदले में अच्छी खासी रकम वसूल लेते हैं। बच्चे पढ़े या ना पढ़े पैसा तो मिल जाता, छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हसी वारदाते हैं कुछ हादसे हो जाते हैं। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन।